الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم इस्लामी और दीनी भाइयों और मोहतरम असाज़े इकराम, पिछले जुमे के खुतबे में आखिरी बात जो आपके सामने रखी गई थी वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन लोगों को हज अदा करने की तौफीक अता फरमाई है और वो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा का सफर तय करते हैं, वहां जाने के बाद हज के जितने भी आमाल हैं, जितने भी काम हैं और जितनी भी उन कामों की हैयत है और शक्लो सूरत है, अगरचे हुज्जाज इकराम उन सारे आमाल और सारे अफाल की वजह हिकमत और फलसफा नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उन सारे आमाल को अंजाम देते हैं। क्यों अंजाम देते हैं, ये बुनियादी सवाल था और उस बुनियादी सवाल का जवाब ये था कि हम हज के उन सारे आमाल को इसलिए अंजाम देते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से उन सारे आमाल को अंजाम दिया है। तो हज का एक बुनियादी मकसद और उसका एक अहम तरीन दर्स और सबक इस उम्मत के लोगों के लिए हुज्जाज इकराम के वास्ते से यह है कि हम जिंदगी के हर शोबे में, अपने हर नेक अमल में, हर नेकी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें, आप ही के तरीके को अपनाने की कोशिश करें। जिस तरीके से हज के आमाल और उसके कामों में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी पैरवी करते हैं, इसी तरीके से हमें कलमे शहादत के इकरार और उसके मुताबिक अमल करने में भी अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करनी चाहिए, नमाज की अदायगी में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इत्तिबा होनी चाहिए, रोजे के सिलसिले में भी, जकात के सिलसिले में भी, ये अरकान इस्लाम है। उसके अलावा जिंदगी के हमारे जो भी नेक आमाल है, हर अमल के करने से पहले हम ये देखें, ये सोचें कि वाकई ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या नहीं किया है, ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए। आज के इस जुमे के खुतबे में जो बात मुझे कहनी है वो ये है
कि क्या हज के ताल्लुक से और हज के आमाल के ताल्लुक से कोई खास बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से इरशाद फरमाई है कि इस उम्मत के कयामत तक आने वाले लोगों के लिए जब तक ये दुनिया कायम है लोग हज करते रहेंगे, लेकिन हज किस तरीके के मुताबिक करेंगे? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इस उम्मत की रहनुमाई फरमाई है? या जिन लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया था, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, जिनकी तादाद तकरीबन 1,00,000 बताई जाती है या 1,24,000 या 40,000 बताई जाती है, इतने लोगों ने, इतने सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज जैसी अजीम इबादत की अदायगी का शरफ हासिल किया है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उन साथियों से कोई स्पेशल तरीके से, खास तरीके से उनकी हिदायत को हिदायत की हो कि हज कैसे करना है, किस तरीके से इसके आमाल, इसके अकवाल, इसके अफाल और इसकी जो शक्लें सूरतें हैं उनको किस तरीके से अंजाम देना है? आज की गुफ्तगू इंशाअल्लाह इसी सिलसिले में होगी। तो मेरे सामने पहले तो एक आयत है, सूरह मोहम्मद की आयत है। वैसे तो बेशुमार आयतें कुरान मजीद में मौजूद हैं जिसमें बार बार मुसलमानों को, अहले ईमान को और सारे इंसानों को इस बात की ताकीद की गई, तलकीन की गई कि आप अपने हर अमल में, हर इबादत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, आपके तरीके पर, आपकी सुन्नत पर चलने की कोशिश करें। जिस आयत की मैंने तिलावत की उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का मंशा यही है, या अय्युहल लजीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के हुक्म पर चलो, व अतीउर रसूल और रसूल के हुक्म को मानो, रसूल के हुक्म पर चलो। और उसके बाद फरमा दिया कि जो लोग अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलेंगे और जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानेंगे, आपकी सुन्नत पर नहीं चलेंगे, आपके तरीके पर नहीं चलेंगे, तो क्या होगा? कहा वला तुबतिलु अमालकुम, अल्लाह उसके रसूल की इताअत से हटकर जो आमाल तुम करोगे तो वो बातिल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कोई अजर व सवाब तुम्हें अल्लाह ताला के यहां हासिल नहीं होगा, कोई अजर व सवाब उस पर अमल नहीं। अगर हमने वो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटकर किया है या अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हटकर वो अमल किया है तो ऐसी सूरत में हमारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, मेहनत अकारक जाएगी, गारत हो जाएगी हमारी मेहनत और मशक्कत, जो वो सारे आमाल हम अंजाम देते रहते हैं लेकिन ये सोचते रहे हैं कि क्या अल्लाह की, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म फरमाया है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है या नहीं किया है। आइए हज के ताल्लुक से खास तौर से क्या हिदायत है अल्लाह के रसूल की। एक मशहूर हदीस है जिसमें एक मशहूर सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज करने का तरीका बयान फरमाया, इत्तिला से लेकर इंतहा तक ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे और एक एक चीज को देखते रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल को हज के कैसे अंजाम दे रहे, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अपने दिमाग, अपने हाफिजे में महफूज किया, और महफूज करने के बाद इस उम्मत में जो बाद में आने वाले लोग हैं उनके लिए महफूज कर दिया, कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस तरीके से अदा फरमाया। किसी के लिए गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती है, जो आपके जमाने में सहाबा मौजूद थे या जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ हज किया है उन्होंने तो आपको देखकर हज के अमाल को अंजाम दिया है,
लेकिन आज कोई कह सकता है कि अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं है हमारे दरमियान, लेकिन फिर भी आज क्या चीज मौजूद है? आपकी सुन्नत, आपकी हदीस, आपका तरीका हज हदीस की किताबों में महफूज है और मौजूद है, हमें वहां से रहनुमाई मिलती है। आइए देखते हैं ये सहाबी क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल के हज के ताल्लुक से। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकफा तिसअ सिनीन लम यहुज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ लाए, 9 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से और बहुत सारे कामों की वजह से हज करने के लिए नहीं जा सके। बहुत सारी वजह उसकी रहे, उसकी असबाब रहे, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज नहीं कर सके। 9 साल गुजर गए, 9वें साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुजुर्ग तरीन साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में हुज्जाज इकराम को सहाबा को रवाना फरमाया था, लेकिन आप खुद इस हज में शरीक नहीं हुए और हजरत अबू बकर की क़यादत में और आपकी इमामत में इमारत में जो हज अदा किया गया था वो ज़िलहिज्जा के महीने में नहीं, ज़िलक़ादा के महीने में था। चूंकि मुशरिकीन महीनों को आगे पीछे किया करते थे, तरतीब उनकी बदलती रहती थी, तो 9 साल गुजर गए, अल्लाह के रसूल ने हज नहीं किया। उसके बाद 10वां साल आता है, साहबी कहते हैं सुम्मा अज्जना फिन्नास फिल आशिरा। 10वें साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में आम ऐलान कर दिया, ऐलान करा दिया, क्या? अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजुन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने के लिए जाने वाले, हज का इरादा रखते, आपने ऐलान करा दिया। उसके बाद क्या हुआ? फकदम अल मदीना बशरुन कसीर। जब लोगों को यह बात मालूम हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज करने के लिए जाने वाले हैं, लोगों की एक बड़ी तादाद उमंग पड़ी मदीने की जानिब, किस लिए? ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की सआदत उनको हासिल हो सके। वैसे तो वो जहां थे वहां से भी हज कर सकते थे, लेकिन मदीना तशरीफ लाए ये लोग ये सुनकर कि अल्लाह के रसूल हज के लिए जा रहे हैं ताकि आपका साथ रहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मौका मिले लोगों को ये बात समझने का और सीखने का कि हज कैसे किया जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कैसे अदा करेंगे, वो बराहे रास्त उनको मौका मिलेगा सीखने का ये बातें हज की। लिहाजा साहबी कहते हैं यल्तमिसु अन यहतम्मा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने लोग मदीना तशरीफ लाए हज में शरीक होने के लिए, हर एक की ख्वाहिश क्या थी, मंशा क्या था? कहते हैं ख्वाहिश ये थी हर मुसलमान की अन यहतम्मा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करे, आपकी इक्तिदा में हज के आमाल अदा करे, ये ख्वाहिश थी और हर मुसलमान की आज भी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम हज अदा करने के लिए जाएं तो हम ये कोशिश करें कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा और आपकी पैरवी कर सके और आपकी इत्तबा कर सके। और कहते हैं वया मला मिसला अमली, और हर सहाबी की यह ख्वाहिश थी कि वो उसी तरह से हज के अमाल को अंजाम दे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के अमाल को अंजाम दे रहे। इस ख्वाहिश के तहत सारे लोग अल्लाह के रसूल के साथ आए, लिहाजा इस मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हिदायत सुनवाई सहाबी ने, आगे लंबी हदीस है। हज की एहराम की इब्तिदा, सफर की इब्तिदा कहां से हुई, कैसे हुई, एहराम कैसे बांधा, सफर में क्या क्या हादसात वाकियात पेश आए और हज के कौन कौन से आमाल अंजाम दिए अल्लाह के रसूल ने, उसी के बाद साहबी कहते हैं रायतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरमी अला राहिलतिही,
कहते हैं कि मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अपनी सवारी पर सवार होकर 10वीं तारीख को यौम अन्नहार कुर्बानी का जो दिन होता है 10वीं तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियां मार रहे हैं और उस वक्त आपकी जबान से ये अल्फाज निकल रहे। क्या अल्फाज थे उस मौके से? चूंकि हज के अक्सर आमाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा कर चुके थे, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से खिताब किया ये कहते हुए लिताखुजु मनासिकुकुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये सारे आमाल जो कुछ तुमने देखा है ये किस लिए अदा किए हैं, इनका मकसद क्या है और इसकी बुनियाद क्या है? कहा कि लिताखुजु मनासिकुकुम, ताकि तुम लोग मुझसे अपने हज के जितने भी आमाल हैं अफाल हैं उनको सीख सको, उनको अपने अपने दिलो दिमाग में महफूज कर लो, और महफूज करने के बाद जो तुम्हारे बाद में आने वाले लोग हैं उन तक पहुंचा दो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस तरीके से अदा फरमाया है। कयामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत आपने सहाबा के वास्ते से फरमा दी कि लोगों को मालूम हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस तरीके से अदा फरमाया है। उलमाए किराम ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं सिफत हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल ने हज किस तरीके से अदा फरमाया था। लेकिन अफसोस है इस उम्मत के बाद में आने वाले अफराद पर, हम हज तो करते हैं, हज अदा करने की नीयत या इरादा भी रखते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश यह नहीं होती है कि हम ये देखें कि अल्लाह के रसूल ने हज कैसे अदा फरमाया था। लोग तलाश करते हैं कि हमारे मसलक में हज की अदायगी कैसे है, हर मसलक वाले अपने अपने मसलक को तलाश करते हैं बजाय इसके कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तलाश करें, आपके तरीके को तलाश करें। लेकिन हम तो हज और हज ही का मसला नहीं, हर इबादत का तकरीबन यही मसला है, इंसान अपने मसलक के मुताबिक उस इबादत को अंजाम देने की ख्वाहिश रखता है। हज से ये सबक हमको मिलता है कि हमें हज या दूसरी इबादत कैसे अदा करनी है। सहाबा को अल्लाह के रसूल ने ताकीद फरमाई कि मुझसे सीख लो, मैंने जो कुछ किया है वो महफूज कर लो और दूसरे लोगों तक पहुंचा देना। क्यों? उसके बाद आपने फरमाया फैनी ला अदरी लाली ला अहुजु बादा हज्जती हाजी, कहा कि मैं नहीं जानता हूं, शायद अपने इस हज के बाद मैं हज नहीं कर सकूंगा, फिर दोबारा हज करने का मौका नहीं आ सकेगा। मेरे के अल्लाह के रसूल ने भी इशारा दे दिया आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, आप दुनिया से जाने वाले हैं, आइंदा साल हज के मौके से रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ पता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अपनी वफात की पेशीन गोई भी इसी जुमले में इरशाद फरमाई, सहाबा को मालूम हो गया कि अल्लाह के रसूल दुनिया से जाने वाले, तो अल्लाह के रसूल ने ये वसीयत फरमाई थी इस उम्मत के अफराद को कि हज कैसे करेंगे। हज वैसे ही करेंगे जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने करते हुए देखा है। इस आपके इस हज को मुख्तलिफ नाम दिए गए, बाज़ुल्मा ने इसको हज्जतुल बलाग कहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के सारे आमाल और दीगर आहकाम सहाबा से पूछा कि क्या मैंने तुम्हें पहुंचाए हैं ना कहीं नहीं पहुंचाए। सारे लोगों ने शहादत दी थी इस बात की कि आपने दीन और शरीयत के सारे आहकाम पहुंचा दिए हैं इस उम्मत के अफराद तक। इसकी शहादत ली अल्लाह के रसूल ने सहाबा से, इसीलिए इसको हज्जतुल बलाग कहा जाता है। कुछ लोगों ने इसको हज्जतुल वदा जो मशहूर नाम है, अलविदाई हज है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अलविदा कहा कि मेरा ये आखिरी मौका है हज करने का, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिल सकेगा, अलविदाई हज है ये। और कुछ उलमा ने इसको हज्जतुल इस्लाम कहा है कि ये इस्लाम का हज है, इसलिए कि इससे पहले जो इस्लाम के चार अरकान थे, शहादतैन,
अल्लाह की वहदानियत की शहादत और अल्लाह के रसूल के नबी रसूल होने की शहादत और उसके बाद सलात रोजा जकात ये चार अरकान, इनके अहकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा चुके थे। और जो आखिरी रुकन था इस्लाम का, पांचवा रुकन जो हज है, उसके अहकाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से इस उम्मत के तमाम अफराद के लिए उनको बयान फरमा दिया है कि वो हज कैसे करेंगे। ये आखिरी रुकन बाकी था, इसके अहकाम बयान करने के लिए और इन आमाल की तशरीह करने के लिए अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी अभी बाकी थी, लेकिन आपने ये जिम्मेदारी भी अदा फरमा दी कि ये आखिरी रुकन इस्लाम का ये मुकम्मल हो गया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी मौके से मैदान अरफात में अरफा पहाड़ी की चोटी से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐलान करवाया। क्या ऐलान करें, ये ऐलान करवाया, कुरान में आयत मौजूद है, अलियोमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान फरमा दिया अल्लाह के रसूल से, कहा कि आप इस पहाड़ी की चोटी से सारे लोगों के दरमियान ऐलान फरमा दे, दीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीजें बयान करनी थी, उनका बयान, उनकी तफसील, उनकी तशरीह आ चुकी है, दीन मुकम्मल हो गए। अब इसके बाद दीन में ना तो कोई इजाफा किया जा सकता है, न इसमें कुछ कमी की जा सकती है। इसलिए इमाम मालिक मशहूर इमाम है, उन्होंने फरमाया था, मन इब्तदअ फिल इस्लाम बिदअतन यराहा हसनतन फकद ज़ामा अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान रिसालत। ये शख्स ने इस्लाम के नाम पर कोई नई चीज ईजाद की कि यह अमल बहुत अच्छा है, ये इबादत है, ये नेकी का काम है, लेकिन ना तो अल्लाह ने उसका हुक्म दिया है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया है। जिस शख्स ने इस्लाम में इस्लाम के नाम पर कोई एक ऐसी इबादत या अच्छा अमल ईजाद किया है और वो क्या समझता है, यह रहा हसनतन कि ये अच्छा अमल है, बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है। लोग कहते हैं, जब ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप ये अमल क्यों करते हैं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया है, कहते हैं अच्छा ही अमल तो है और ये अच्छी बिदअत है। इमाम मालिक कहते हैं, जो ये समझता है दीन में कोई इबादत ईजाद करके कि अच्छी बिदअत है, कहते हैं फकज़्ज़ा मानना मोहम्मद खान रिसाला, तो उसने ये दावा किया कि अल्लाह के रसूल ने रिसालत में खयानत की है, आपने अल्लाह की तरफ से पैगाम में, पैगाम पहुंचाने में खयानत की है। और कितना बड़ा इल्जाम है कि अगर ये नेकी का काम था तो अल्लाह के रसूल ने हमको क्यों नहीं बतलाया, अल्लाह के रसूल को बतलाना चाहिए था। जो आज लोगों को बतला रहे कि हाँ ये भी नेकी का काम है, और उसके बाद कहा था कि फमा लम यकुन यौमैज़िद्दीन फला यकुन अल-यौम दीना, जो चीज अल्लाह के रसूल के जमाने में दीन नहीं थी वो अब दीन नहीं होगी। कोई भी कितना ही अच्छा नेक अमल है जो अल्लाह के रसूल में, अल्लाह के रसूल के जमाने में नहीं था और आज हम उसे करते हैं, उसे दीन करार नहीं दिया जा सकता है। ये है इत्तबाए सुन्नत और इत्तबाए रसूल का तकाजा कि हज के जितने भी आमाल है, और हज ही का मसला नहीं, जिंदगी के जितने भी नेक आमाल है, नेकियां हैं, करने से पहले हम पहले ये सोचें, फैसला करें, तहकीक और जुस्तजू होनी चाहिए हमारी कि क्या वाकई ये अल्लाह के रसूल ने अमल किया है या नहीं किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह ताला जिन्हें हज करने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, उन्हें अल्लाह के रसूल के मुताबिक हज करने की और आपकी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जिंदगी के हर शोबे में, हर इबादत में हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले में आपसे गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।